brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. एक तरफ भारत और चीन के बीच में विवाद जारी है। अरुणाचल प्रदेश के नाम बदलने को लेकर भारत और चीन में आमने सामने की टकराहट है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान में आए भूकंप ने एक भीषण तबाही मचाई है। ताइवान में आए भूकंप के वीडियो बेहद दिल दहला देने वाले हैं। और ऐसे मौके पर भारत कैसे पीछे रह सकता था। भारत इस वक्त सीधे सीधे ताइवान से बात कर रहा है और ताइवान भी सीधे सीधे भारत को जवाब दे रहा है। खबर क्या है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ताइवान में घटना घटती है, भूकंप आता है और एक बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं। उस पर पीएम मोदी लिखते हैं कि ताइवान में आए भूकंप को देखकर काफी मन दुखी है। हमारी भावनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। इसके साथ ही तमाम घायल लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की, स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ताइवान के हिम्मतकारी लोगों के साथ हम पूरी मजबूती अपने इच्छा बल के साथ खड़े हैं और यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें। इसके बाद क्या था, ताइवान की राष्ट्रपति से लेकर ताइवान का विदेश मंत्रालय तक सामने आता है और भारत के प्रधानमंत्री के इस संदेश से अभिभूत नजर आता है। ताइवान का विदेश मंत्रालय लिखता है कि हम काफी भावुक हैं पीएम मोदी के इस संदेश से। उन्होंने कहा, आपकी संवेदनाएं इस कठिन घड़ी में ताइवान के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, भारत का धन्यवाद देते हैं। हम लगातार खुद को मजबूत बनाने में जुटे रहेंगे। इसके बाद ताइवान की राष्ट्रपति भी सोशल मीडिया एक्स पर बयान देती हैं। वो कहती हैं कि हम पीएम मोदी के इन शब्दों के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। ये काफी चुनौतीपूर्ण वक्त है। आपकी भावनाएं, सद्भावनाएं इस मौके पर हमारे लिए बहुत हिम्मत देने वाली होगी। ताइवान पूरी तरह से अपनी रिकवरी की तरफ देख रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है, लेकिन ताइवान अपने आप को आजाद कहता रहा है और यही वजह है कि चीन सभी देशों को मजबूर करता है कि वो वन चाइना पॉलिसी का पालन करे। लेकिन अब जैसे जैसे चीन भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती पेश कर रहा है, वैसे वैसे भारत भी अपने पत्ते खोल रहा है और सीधे सीधे ताइवान की राष्ट्रपति को, ताइवान को संदेश देकर पीएम मोदी ने बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि चीन की मनमानी भारत बर्दाश्त करेगा। अगर चीन इसी तरीके से उठपटांग हरकतें करेगा तो फिर उसे भी तगड़े झटके के लिए तैयार रहना होगा। यानी कि भूकंप भले ही ताइवान में आया हो, लेकिन बड़े झटके बीजिंग को लगाने की तैयारी भारत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।